ब्लैक लेग सांजी, जो पहले विंड स्मोक सांजी था, स्ट्रॉहैट पायरेट का कुक है और स्ट्रॉहैट ग्रैंड फ्लीट के सीनियर ऑफिसर्स में से एक है। और आज इस वीडियो में हम उसके लाइफ के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड, सांजी का जन्म नॉर्थ ब्लू में हुआ था, विंड स्मोक फैमिली में, जर्मा किंगडम का रॉयल फैमिली। सांजी के तीन भाइयों का भी सेम डेट पर ही जन्म हुआ था। सांजी थर्ड सन था। सांजी का फादर विंड स्मोक जज अपने बच्चों को जन्म से पहले ही एनहांस करने का प्लान करता है, ताकि उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी हो और कोई इमोशन ना हो, ताकि वो फ्यूचर के परफेक्ट सोल्जर बन सके। सांजी की माँ विंड स्मोक सोरा इसके खिलाफ थी, इसीलिए वो प्रेगनेंसी में एक ड्रग ले लेती है ताकि उसके बच्चे इमोशनलेस ना हो। ये सांजी पर सक्सेसफुल रहता है, जिससे उसकी माँ की हेल्थ भी थोड़ी खराब हो जाती है। सांजी एक बार अपने माँ के लिए खाना बना के हॉस्पिटल ले जाता है। खाना खराब हो जाता है, उसकी माँ स्माइल करती है और खाने का डिसाइड करती है, जिससे सांजी को कुकिंग में और इंटरेस्ट आ गया। विंड स्मोक जज अपने बच्चों को उनके यंग एज में ही बता देता है कि उसने उनकी बॉडीज को इनहेंस किया है और वो चाहता है कि किंगडम के मिलिट्री फोर्स जर्मा 66 को वो लीड करे और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करता है। सांजी के भाइयों के बॉडीज एनहेंस होने लगते हैं और वो प्रोग्रेस करने लगते हैं, पर सांजी का बॉडी नॉर्मल ही रहता है, इसीलिए उसके भाई उसे बुली करते रहते थे और जज उन्हें रोकता भी नहीं था, क्योंकि वो सांजी को नापसंद करने लगा था उसके वीकनेस की वजह से। एक दिन जज उसे चूहे को खाना खिलाते हुए देख लेता है और सांजी को डांटता है कि वो खाना बनाना छोड़ दे और ट्रेनिंग करे, ताकि वो अपने भाइयों की बराबरी कर सके। फिर वो उस चूहे और खाने को बाहर फेंक देता है और सांजी रोने लगता है। सांजी के भाई उसे रोज मारते थे। सांजी की बहन रेजू उसके इंजरीज को ट्रीट कर देती थी। इवेंचुअली जज को समझ आ चुका था कि सांजी कभी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज डेवलप नहीं करेगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है सांजी के एग्जिस्टेंस को इरेज करने का, जिसके लिए वो सांजी को एक आयरन मास्क पहना देता है और लॉक कर देता है। फिर वो सांजी के लिए फ्यूनरल भी रखता है और सभी जर्मा 66 के सोल्जर्स को बता देता है कि सांजी का एक्सीडेंट हो गया है। अगले 6 महीने तक सांजी का मास्क तभी उतरता था जब गार्ड्स उसके लिए खाना लाते थे। सांजी ऑल ब्लू के बारे में पढ़ता है एक कुक बुक से। उसके भाइयों को पता चल जाता है कि वो अब भी जिंदा है और कभी कभी उसे मारने के लिए आ जाते थे। रेजू उसे मलहम पट्टी करने आती है और उसे बताती है कि वो उसके साइड नहीं है। जब जर्मा किंगडम रेड लाइन क्रॉस करते हैं ईस्ट ब्लू में, सांजी रेजू को बताता है कि वो भागकर शेफ बनना चाहता है। रेजू सांजी के सेल को तोड़ देती है ताकि वो भाग सके। सांजी भागते हुए अपने फादर से मिल जाता है। जज उसे एक कंडीशन पर जाने देता है कि वो कभी उनके रिलेशनशिप के बारे में ना बताए। जब जर्मा 66 कोजिया आइलैंड पर अटैक करते हैं, रेजू सांजी को ऑर्बिट नाम के शिप के तरफ डायरेक्ट करती है और कहती है वो कभी जर्मा किंगडम वापस ना आए। एस्केप करने के बाद सांजी अपनी फैमिली के साथ सभी रिश्ते तोड़ देता है और एक नई शुरुआत करता है। 2 साल बाद 10 साल का सांजी ऑर्बिट में कुक का काम करने लगा था। एक दिन रेड लेग जेफ एक पायरेट और उसका क्रू शिप पर अटैक कर देता है, पर दोनों ही शिप एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं और डूब जाते हैं। जेफ सांजी को बचा लेता है। डूबने से पहले सांजी ने जेफ को चिल्लाकर अपना ड्रीम बताया था कि वो ऑल ब्लू को ढूंढना चाहता है, जो जेफ का भी ड्रीम था, इसीलिए उसने सांजी को बचाया था। वो दोनों एक बड़े रॉक पर पहुंचते हैं। दोनों बच तो गए थे, लेकिन उनके पास खाना कम था। उस रॉक में कोई वेजिटेशन नहीं था, कोई जानवर नहीं थे और फिशिंग करने का कोई तरीका नहीं था। जेफ सांजी को आधा खाना दे देता है और रॉक के दूसरे साइड बैठकर शिप देखने का ऑर्डर देता है। सांजी कंप्लेन करता है कि जेफ अपने लिए ज्यादा खाना रख रहा है, पर जेफ उसे भगा देता है ये कहकर कि उसका पेट बड़ा है। दिन बीतने लगते हैं, सांजी के पास खाना खत्म हो जाता है और शिप अब तक नहीं दिखती है। कुछ हफ्तों बाद सांजी जेफ को मारने का डिसाइड करता है उसके खाने के लिए। सांजी उसे नहीं मारता और गुस्से में उसके खाने के बैग को फाड़ देता है, जिसमें खाना था ही नहीं, बस खजाना था। सांजी को समझ आता है कि जेफ ने उसे सारा खाना दे दिया था और जेफ ने अपने पैर को काट के खुद खाया था। जेफ बताता है कि वो एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है। सांजी उसे हेल्प करने का डिसाइड करता है। फिर एक शिप दिखाई देती है और वो बच जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद सांजी प्लेज करता है कि वो सभी भूखे को खाना खिलाएगा उनके स्टेटस के बावजूद। मांगा में सांजी सिगरेट स्मोक करना शुरू कर देता है जेफ को इम्प्रेस करने के लिए, जो उसे मना करता है कि इससे उसका टेस्ट बर्ड खराब हो जाएगा, जिस पर सांजी कहता है कि अब वो एक मर्द है। अगले 9 साल तक सांजी बारातीय में काम करता है जेफ के अंडर। उसका कुकिंग भी इम्प्रूव होने लगा और उसके फिजिकल एबिलिटी भी। ईस्ट ब्लू सागा बारातीय आर्क।
एक दिन सांजी मरीन ल्यूटिनेंट फुल बॉडी और उसके लेडी फ्रेंड मूडी को खाना सर्व कर रहा था, पर सांजी फुल बॉडी के आगे उतना सबमिसिव नहीं होता तो फुल बॉडी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी दोस्त के सामने उसका इमेज खराब हो रहा था। फुल बॉडी सांजी से फाइट करता है। सांजी देखता है कि उसने खाना बर्बाद कर दिया, जिस गुस्से में वो फुल बॉडी को बहुत मारता है। तभी जेफ और लूफी वहाँ गिरते हैं। जेफ सांजी को डांटने लगता है, तभी वहाँ एक प्रिजनर आता है जिसे फुल बॉडी ने कैप्चर किया था, जिन। वो खाना मांगने लगता है। सभी शेफ्स उसे खाना देने से मना कर देते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, पर सांजी उसे खाना खिलाने जाता है। लूफी ये देखता है और डिसाइड करता है वो सांजी को अपना कुक बनाएगा, पर सांजी लूफी का ऑफर डिक्लाइन कर देता है। सांजी वापस काम करने जाता है और नामी को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है अगर वो ऐसे सुंदर लड़की के साथ रहेगा तो उसे पायरेट बनना मंजूर है। तभी जेफ वहाँ आता है और सांजी और उसमें बहस होने लगती है। सांजी तब भी नामी के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था। दो दिन बाद डॉन क्रीक का शिप वहाँ आता है जिसके लिए जिन काम करता था। जिन डॉन क्रीक को वहां लाया था खाना खिलाने के लिए। सभी शेफ्स उसे खाना देने से मना करते हैं, पर सांजी उसे खाना देता है और खाने के बाद क्रीक अपने सभी लोगों के लिए खाना मांगता है, जो सांजी मान लेता है। क्रीक बारातिये को भी हैंडओवर करने कहता है। सांजी गुस्सा हो जाता है। जेफ क्रीक के लोगों के लिए खाना देता है। थोड़ा डिस्कशन करने के बाद सांजी और बाकी के शेफ्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूफी भी उनका साथ देता है। उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले डॉन क्रीक का शिप दो हिस्सों में कट जाता है। सांजी और बाकी सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ये मीहॉक ने किया था, जो सेवन वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी था। सांजी और बाकी शेफ्स मीहॉक और जोरो को फाइट करते हुए देखते हैं, जो मीहॉक से हार जाता है, जिसके बाद सांजी और शेफ्स क्रीक पायरेट्स से लड़ने लगते हैं। जेफ से सीखे हुए फाइटिंग स्किल से सांजी क्रीक पायरेट्स को हराने लगता है। क्रीक पायरेट्स का पर्ल काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसे इनविंसिबल वॉल भी कहा जाता था। सांजी को उससे लड़ने में स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर भी सांजी उसे टक्कर देता है। धीरे धीरे सांजी अपर हैंड गेन करने लगता है। उनके लड़ाई के बीच में एक नया सरप्राइज डेवलप हो जाता है। जिन जेफ को होस्टेज बना लेता है और सांजी को सरेंडर करने कहता है। जिन सभी शेफ्स को बारातिये छोड़कर जाने के लिए भी राजी करवा लेता है। सांजी को ये सब मंजूर नहीं था क्योंकि वो जेफ का एहसान मानता था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। सांजी कहता है वो जेफ को फिर से अपना ट्रेजर गिव अप करने नहीं देगा। ये सुन के बाकी के शेफ्स पूछते हैं उसका मतलब क्या है। सांजी एक्सप्लेन करता है कि पास्ट में जेफ ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, अपने एक पैर को भी, उसे बचाने के लिए। इसीलिए ये उसकी जिम्मेदारी है वो जेफ को फिर ऐसा करने से रोके। इसके बाद सांजी पर्ल के अटैक्स झेलने लगता है और बारातिये के लिए मरने को भी तैयार था। तभी लूफी बारातिये का डेक तोड़ देता है। सांजी गुस्सा हो जाता है और पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। लूफी बताता है क्रीक इस शिप को चाहता है तो इसे डिस्ट्रॉय कर देना ही सॉल्यूशन होगा। लूफी ये भी कहता है कि जेफ ने उसकी जान इसलिए नहीं बचाई थी कि सांजी इस शिप के लिए अपनी जान दे दे। वो लोग बात कर रहे थे और पर्ल फिर से अटैक कर देता है, पर पर्ल सांजी और लूफी पर अटैक कर पाता उससे पहले जिन उसे मार देता है। जिन बताता है वो खुद सांजी को मारना चाहता है। सांजी भी जिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सांजी जिन से हारने लगता है इंजरीज की वजह से। जिन फाइनल ब्लो करने बढ़ता है, पर सांजी देखता है कि जिन उसे हिट करने से पहले रुक गया। सांजी के काइंडनेस को याद करते हुए जिन सांजी को मार नहीं पाता। ये देखकर डॉन क्रीक गुस्सा हो जाता है और MH5 बॉम्ब उन पर लॉन्च कर देता है। लूफी जिन और सांजी की तरफ मास्क थ्रो करता है ताकि वो पॉइजन गैस से खुद को बचा सके। एंड टाइम पे लूफी को भी अपने लिए मास्क मिल जाता है। स्मोक क्लियर होने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिन पॉइजन्ड हो चुका है क्योंकि उसने अपना मास्क लूफी की तरफ थ्रो कर दिया था। सांजी शेफ्स को जिन की हेल्प करने कहता है। सांजी देखता है लूफी गुस्सा हो चुका था, जो क्रीक से लड़ने जाता है। सांजी उसे फाइट करते हुए देखता है। जेफ सांजी से कहता है वो लूफी को ध्यान से देखे। सांजी लूफी के फाइटिंग स्पिरिट को देखकर इंप्रेस हो जाता है। आखिर में सांजी और सभी ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि लूफी ने क्रीक के फेम्ड इम्पेनेट्रेबल आर्मर को तोड़ दिया। हालांकि ये फाइनल ब्लो था, लेकिन सांजी देखता है कि क्रीक के पास अब भी ट्रिक्स बचे थे, पर लूफी फिर से क्रीक को हरा देता है और लूफी पानी में गिर जाता है। सांजी को लूफी का वीकनेस पता चलता है और वो उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद जिन ठीक हो जाता है। सांजी बचे हुए क्रीक पायरेट्स को एक बोट देता है वापस जाने के लिए। लूफी के होश में आने के बाद सांजी उसे
सब कुछ बताता है और लूफी को ज्वाइन करने से फिर मना कर देता है। सांजी लूफी को अपने ड्रीम्स के बारे में भी बताता है। फिर सांजी और लूफी खाना खाते हैं। सभी शेफ सांजी के सूप को खराब बताने लगते हैं। सांजी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो ये सब इसीलिए कर रहे थे ताकि सांजी लूफी के साथ सी में चला जाए और ऑल ब्लू को ढूंढने का सपना पूरा कर सके। सांजी रूम से बाहर जा चुका था और कुछ देखता है। योसाको आता है और बताता है कि नामी गोइंग मैरी को लेके कहाँ गई है। जोरो, उसोप, जॉनी और योसाको नामी के पीछे गए थे। योसाको वापस आया था लूफी को नामी के लोकेशन तक ले जाने के लिए। लूफी जाने का डिसाइड करता है और तब सांजी भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। सांजी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। जेफ, जो हमेशा सांजी को डांटता था, वो उसे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। सांजी शॉक्ड हो जाता है और बैठकर रोने लगता है। वो जेफ को थैंक्स करता है, लेकिन एक तरह से उसे इंसल्ट करते हुए। फिर सांजी के छोटे से बोट में वो लोग आगे बढ़ते हैं। आर्लोंग पार्क आर्क। योसाको और लूफी के साथ सांजी बाकी के क्रू मेंबर्स के पास जाता है। योसाको सांजी और लूफी को फिशमैन के बारे में बताता है। लूफी फिशमैन का ड्राइंग बनाता है कि वो कैसे दिखते होंगे, और नामी का भी ड्राइंग बनाता है कि अगर वो मर्मर्ड होती तो कैसी दिखती, जो सांजी उसे डिस्ट्रॉय करने कह देता है। सांजी फिर उनके लिए खाना बनाता है। तभी वहाँ एक सी का मोमो आ जाता है खाने के लिए। सांजी उसे खाना ऑफर करता है। मोमो सांजी के हाथ को ही खाने का ट्राई करता है और सांजी उसे किक मार देता है। मोमो का यूज करके वो लोग आर्लोंग पार्क तक पहुंचते हैं और क्रैश लैंडिंग करते हुए जोरो से मिल जाते हैं। जॉनी भी वहां आता है, जो उन्हें बताता है कि नामी ने उसोप को मार दिया है। नामी भी वहां आ जाती है और ये बात कंफर्म करती है और उन्हें आइलैंड छोड़कर जाने कहती है। जोरो नामी पर अटैक कर देता है, पर सांजी उसे रोक देता है। नामी वहां से चली जाती है। उसोप वहां आता है। लूफी सो जाता है। जोरो नामी के बारे में कमेंट करता है। सांजी गुस्सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसके बीच में उसोप आ जाता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो सब कुछ बताता है। तभी वहाँ नामी की बहन नोजी को आती है। नोजी को उन्हें नामी के पास्ट के बारे में बताने के लिए मान जाती है, लेकिन सिर्फ उसोप और सांजी ही उसकी बात सुनते हैं। आर्लोंग के धोखे के बाद नामी रोने लगती है और लूफी से हेल्प मांगती है। सांजी, जोरो, उसोप लूफी का साथ देते हैं और आर्लोंग पार्क जाते हैं। हाचान मोमो को बुलाता है। मोमो सांजी को देखकर डर जाता है। लूफी कंक्रीट में पैर फंसाकर मोमो को पकड़ता है और आर्लोंग पायरेट्स को हरा देता है और मोमो को सी में थ्रो कर देता है। लूफी पैर बाहर नहीं निकाल पाता। फिशमैन लूफी की तरफ एक बाउल्डर फेंकते हैं, जो सांजी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसोप च्यू से डरकर भाग जाता है। सांजी जोरो के फाइट को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कुरो भी सांजी को पंच मार देता है। सांजी दूर जाकर गिरता है। जोरो का फाइट खत्म हो जाता है। तब सांजी खड़ा होता है और क्लेम करता है कि कुरोबी के पंच में वो ताकत नहीं है जो जेफ के किक्स में थी। सांजी लूफी को बचाने के लिए पूल में जाता है। कुरोबी भी सांजी के पीछे जाता है। कुरोबी सांजी को हराने लगता है। सांजी को याद आता है कि फिश के गिल्स को ब्लॉक करने से वो मर सकते हैं। सांजी कुरोबी के साथ ऐसा ही करता है और बच जाता है। सांजी जोरो को अश्योर करता है कि लूफी जिंदा है और कुरोबी को सरफेस पर फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और उसे हरा देता है। फिर वो जोरो के साथ मिलकर आर्लोंग से फाइट करता है, पर दोनों ही हार जाते हैं। जोरो आर्लोंग को उलझाए रखता है ताकि सांजी लूफी को बचा सके। सांजी लूफी को फ्री कर देता है और उसे आर्लोंग से फाइट करते हुए देखता है। आर्लोंग को हराने के बाद वो सेलिब्रेट करते हैं और अगले दिन नामी के साथ नेक्स्ट एडवेंचर पर निकल जाते हैं। लॉग टाउन आर्क। क्रू लॉग टाउन जाने का डिसाइड करते हैं सप्लाईज लेने के लिए। सांजी खाना खरीदता है, एक बड़ा एलिफेंट टूना। क्रू को पता चलता है कि लूफी खतरे में है, जिसे बगी पायरेट्स ने पकड़ लिया है, जो गोल्ड रॉजर के एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को देखने गया था। सांजी जोरो के साथ लूफी को बचाने जाता है। बगी पायरेट से लड़ते हुए वो लूफी तक टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं, पर एक लाइटनिंग लूफी को बचा लेता है। सोरो और सांजी फिर लूफी को लेके वापस जाने लगते हैं। उन्हें कैप्टन स्मोकर और ताशीगी रोकने आ जाते हैं। तभी एक मिस्टीरियस टॉम सांजी, जोरो और लूफी को शिप तक ले जाते हैं। फिर वो लोग ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंड लाइन में एंटर करने से पहले वो लोग एक सेरेमनी करते हैं। सांजी एक बैरल बाहर लाता है। सभी उसके ऊपर अपना पैर रखते हैं और अपने ड्रीम्स के बारे में प्रॉमिस करते हैं। फिर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ग्रैंड लाइन की तरफ सेल करते हैं। रिवर्स माउंटेन आर्क।
स्टॉर्म को पार करने के बाद स्ट्रॉ हैट्स रिवर्स माउंटेन पहुंचते हैं। ग्रैंड लाइन के अंदर वो लोग माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं और नीचे जाते हुए वो देखते हैं एक बड़ा सा व्हेल उनके रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। सांजी और बाकी का क्रूज शिप को रोकने लग जाता है ताकि वो व्हेल से टकराने से बच पाए और इस प्रोसेस में लूफी का फेवरेट सीट गोइंग मैरी का हेड टूट जाता है। लूफी बहुत गुस्सा हो जाता है और व्हेल से फाइट करने लगता है और बाकी का क्रू शिप के साथ व्हेल के अंदर चला जाता है। व्हेल के पेट के अंदर क्रू देखता है एक बूढ़े आदमी को जिसका नाम क्रोकस था। उसने व्हेल के अंदर घर बना लिया था। क्रोकस उन्हें व्हेल के पास्ट के बारे में बताता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। लबून 50 साल पहले अपने पायरेट दोस्तों से अलग हो गया था और उनके ना वापस आने के बाद अपने सर को ग्रैंड लाइन में पटकने लगा। सांजी और बाकी का क्रू मेंबर्स लबून के लिए कुछ नहीं कर पाते, पर लूफी लबून को एक नई उम्मीद देता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद क्रू को ग्रैंड लाइन में ट्रैवल करने के लिए लॉग पोस्ट भी मिलता है और तभी वहाँ मिस वेनस्टे और मिस्टर नाइन आते हैं और उनसे लिफ्ट मांगते हैं विस्की पीक तक जाने का। क्रू पहले थोड़ा सोचते हैं क्योंकि वो लोग पहले लबून को मारना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उनके रास्ते में ही विस्की पीक पड़ेगा तो वो मान जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। विस्की पीक आर्क। ग्रैंड लाइन के वेदर की वजह से सांजी शिप से स्नो हटाने लगता है, फिर वो शिप को सही डायरेक्शन में टर्न करने में हेल्प करता है और वेदर ठीक होने के बाद वो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है। वो लोग शिप को स्टेबलाइज कर देते हैं और बहुत ही थक जाते हैं। फिर वो इवेंचुअली विस्की पीक पहुंच जाते हैं। सांजी को लग रहा था कि वो लोग वहां पर मॉन्स्टर्स को इनकाउंटर कर सकते हैं, पर वो ये देखकर हैरान थे कि वहां के लोग उन्हें चीयर करते हुए वेलकम कर रहे थे। उन्हें बताया जाता है कि ये टाउन वेलकमिंग और सेलिब्रेशन का है। सांजी लूफी और उसोप एक्साइटेड हो जाते हैं। उस रात सांजी 20 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। उसे ये टाउन बहुत अच्छा लग रहा था और ज्यादा दारू पीने की वजह से वो सो जाता है। बाद में लूफी सांजी और उसोप को जोर से उठाता है और फिर उन्हें पकड़कर बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन वो फिर भी उठते नहीं है। शिप पर बाकी के क्रू मेंबर्स और वीवी भी आते हैं। सांजी सवाल करता है वो ऐसे अच्छे टाउन को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। नामी उसे पंच मार कर चुप होने कहती है। जब मिस ऑल संडे शिप पर अपीयर होती है, सांजी और उसोप उसे कन्फ्रंट करते हैं। सांजी उसके हेड पर एक पिस्टल एम करता है। ऑल संडे उन्हें अपने पावर से पुश कर देती है। तब सांजी उसका फेस देख पाता है और कहता है वो बहुत सुंदर है। वीवी उसे सिचुएशन समझाती है, फिर सांजी उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। लिटिल गार्डन आर्क। थोड़ा सेल करने के बाद स्ट्रॉ हैट्स लिटिल गार्डन पहुंचते हैं। सांजी बताता है विस्की पीक में वो सप्लाई रीस्टॉक नहीं कर पाए थे। वो उम्मीद करता है कि इस जंगल में वो ऐसा कर पाएंगे। सभी मेंबर्स जंगल को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। सांजी जोरो से मीट लाने कहता है। ये छोटी सी बात थी लेकिन दोनों में बहस हो जाती है और जोरो कहता है कि वो सांजी से ज्यादा मीट ला सकता है। सांजी फिर उसे चैलेंज कर देता है कि कौन बड़ा शिकार कर सकता है और फिर दोनों जंगल में हंट करने जाते हैं। जंगल में सांजी को एक डायनासोर दिखता है जिसे मार कर वो उसे वापस मैरी में लाता है और जोरो का वेट करता है। थोड़ा वेट करते हुए काफी टाइम पार हो जाता है और सांजी को कुछ गड़बड़ लगने लगता है। सांजी फिर से जंगल में जाता है और वहाँ एक वैक्स से बना घर देखता है जिसके अंदर वो एक कप टी भी पीता है। बाहर निकलते हुए उसे ट्रांसपोंडर स्नेल रिंग होना सुनाई देता है। वो कॉल रिसीव करता है और उसे पता चलता है कि वो बेरॉक वर्क्स के लीडर क्रोकोडाइल से बात कर रहा है, वीवी की जान को जिससे खतरा था। उसे रियलाइज होता है वो घर बेरॉक वर्क्स का बेस है। सांजी मिस्टर 3 बनकर बात करता है। क्रोकोडाइल भी उसे पहचान नहीं पाता। सांजी उसे भरोसा दिलाता है कि उसने वीवी और स्ट्रॉ हैट्स को मार दिया है। बात करते हुए मिस्टर 13 और मिस फ्राइडे दी अनलकीज वहां आ जाते हैं। सांजी उन्हें हरा देता है और क्रोकोडाइल से बात खत्म करता है, जिसके बाद वो इटर्नल लॉग पोस्ट लेकर बाकियों के पास जाता है। इवेंचुअली सांजी बाकियों से मिलता है, वो ब्रॉगी और डॉरी से भी मिलता है। सांजी खुश था कि वीवी और नामी सेफ हैं और नामी को वो बिना शर्ट के भी देख पाया था। फिर वो सभी को बताता है कि उसने मिस्टर 3 बनकर क्रोकोडाइल से बात की और उसके पास एक इटर्नल लॉग पोस्ट भी है। जोरो और सांजी में ये बहस होती है कि कौन जीता, जिसके बाद वो लोग नेक्स्ट आइलैंड जाने के लिए सेल सेट करते हैं, जिसमें डॉरी और ब्रॉगी भी उनकी हेल्प करते हैं। ड्रम आइलैंड आर्क। नेक्स्ट आइलैंड जाते हुए सांजी को पता चलता है कि नामी का डिजीज खतरनाक हो सकता है
वो नामी को बहुत से न्यूट्रिशियस फूड खिलाता है, लेकिन उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। क्रू सामने के आइलैंड पर जाने का डिसाइड करते हैं। वो लोग ड्रम आइलैंड पहुंचते हैं एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए। सांजी और लूफी नामी को लेकर डॉक्टर कुरेहा के पास जाने का डिसाइड करते हैं, जो माउंटेन के टॉप पर रहती थी। रास्ते में वो और लूफी इन्फेंट लैफन से इनकाउंटर करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। इससे सभी बड़े लैफन गुस्सा हो जाते हैं और उनपे अटैक कर देते हैं। सांजी लूफी और नामी को प्रोटेक्ट करता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। लूफी सांजी को स्नो से बाहर निकालता है और उसे भी कैरी करके ले जाने लगता है। लूफी एक लैफन को भी बचा लेता है, जिससे वो लैफन भी उनकी हेल्प करने लगते हैं जिन्होंने एवलांच क्रिएट करवाया था। वो लैफन वैपल और उसके आदमियों से लड़ते हैं ताकि लूफी सांजी और नामी को लेकर आगे बढ़ सके। लूफी टॉप पर पहुंच जाता है। सांजी और लूफी को होश आता है और वो चॉपर को खाने का सोचते हैं। चॉपर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद लूफी और सांजी शॉक्ड हो जाते हैं और उसे मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन लूफी कहता है वो चॉपर को अपने क्रू में ज्वाइन करवाना चाहता है। सांजी भी मान जाता है। लूफी चॉपर के पीछे जाने लगता है। सांजी और नामी डॉक्टर कुरेहा से चॉपर के पास्ट के बारे में सुनते हैं, जिसके बाद चॉपर आता है और बताता है वैपल के अटैक के बारे में। सांजी लूफी के साथ वैपल और उसके मिनियंस चेस और कुरमारीमो से लड़ने जाता है। जब लूफी अंदर जाता है नामी के जैकेट को वापस लाने के लिए, सांजी और चॉपर फाइट करते हैं। कुरमारीमो अपने बाल सांजी के तरफ फेंक देता है, जो उसके बॉडी में लग जाता है, और चेस के फ्लेमिंग एरो से उन बालों में आग लग जाती है। लूफी और चॉपर काउंटर अटैक करने लगते हैं। डॉक्टर कुरेहा सांजी को पिन डाउन कर देती है ताकि वो अपने जख्मी शरीर को और जख्म ना दे। लूफी और चॉपर सभी को हरा देते हैं। बाकी के क्रू मेंबर्स के साथ वो लोग रीग्रुप करते हैं। चॉपर आता है और बताता है कि वो उनके पायरेट क्रू को ज्वाइन नहीं कर सकता। लूफी उसे चुप होकर उनके साथ आने कहता है। चॉपर मान जाता है। चॉपर को वेलकम करने के बाद वो लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरबास्ता आर्क। सांजी डेक के नीचे था जब क्रू मिस्टर टू बॉन क्ले को रेस्क्यू कर रहा था। जब क्रू लैंड करता है, सांजी को डेजर्ट के लिए कपड़े लाने कहा जाता है। सांजी वीवी और नामी के लिए डांसर आउटफिट्स ले आता है। डेजर्ट में आगे बढ़ते हुए सांजी गुस्सा हो जाता है कि लूफी उनका खाना लूज किए जा रहा है। जब वो एक सैंडोरा लिजर्ड को देखते हैं, सांजी लूफी और जोरो उसे तुरंत हरा देते हैं। रेन बेस पहुंचने के बाद क्रू मरीन से बचने के लिए अलग हो जाते हैं। सांजी और चॉपर क्रोकोडाइल के ट्रैप में नहीं फंसते हैं। बेरोक वर्क्स के आदमियों को हराने के बाद सांजी खुद को प्रिंस इंट्रोड्यूस करता है ट्रांसपोंडर स्नेल पर बात करते हुए क्रोकोडाइल से, ताकि वो उसे बाहर बुला सके। चॉपर को डिकॉय की तरह यूज करते हुए सांजी रेन डिनर्स का ब्रिज तोड़ देता है और वीवी को ढूंढ लेता है, जो हेल्प मांगने ही आई थी। सांजी वहां पहुंचता है जहां बाकी का क्रू ट्रैप था और एक बनाना वानी से लड़ता है केज के की को हासिल करने के लिए, जिसमें क्रू फंसा हुआ था। सांजी मिस्टर थ्री को ही बाहर निकाल लेता है और उससे एक डुप्लीकेट की बनवाता है। क्रू फिर आलूबारना जाने के लिए रेडी हो जाता है, अरबास्ता का कैपिटल, चॉपर के क्रैब दोस्त के ऊपर। क्रू बेरोक वर्क्स के एजेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वीवी एस्केप कर सके। सांजी और चॉपर का पीछा मिस्टर फोर और मैरी क्रिसमस करते हैं। सांजी यूसुफ और मासुगे के पास जाता है, जिसका पीछा बॉन क्ले कर रहा था। सांजी बॉन क्ले से वीवी को बचाता है और फिर उससे फाइट करने लगता है। सांजी बॉन क्ले को हराने लगता है, लेकिन फिर बॉन क्ले नामी में बदल जाता है, क्योंकि वो जानता था वो अपने क्रूमेट पर हमला नहीं कर पाएगा, और खास करके लड़की पर। सांजी फिर बॉन क्ले के वीकनेस को समझ जाता है कि वो ट्रांसफॉर्म करने के बाद कोई और पावर्स यूज नहीं कर सकता है। बॉन क्ले अपना स्वान स्लीपर्स यूज करता है, लेकिन आखिर में सांजी उसे हरा देता है। बॉन क्ले हिल भी नहीं पाता और सांजी से उसे खत्म कर देने कहता है। सांजी कहता है उनकी फाइट अच्छी थी और वो उसे मारना नहीं चाहता है। बॉन क्ले खुश हो जाता है, लेकिन सांजी उसे किक मारता है और गॉगल्स ले लेता है जो उसने उस ऑफ से लिए थे। सांजी फिर अपने क्रू के साथ रीग्रुप होता है। फिर वो उस बॉम्ब को ढूंढने लगते हैं जो सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगाया गया था। वीवी उसे ढूंढ लेती है। सांजी और बाकी का क्रू उसकी हेल्प करते हैं टावर के टॉप पर जाने में, जहां बॉम्ब लगा हुआ था। जब वीवी टॉप पर पहुंचती है और मिस्टर सेवन और मिस फादर्स डे से लड़ती है और उन्हें हराने के बाद बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है, लेकिन फिर ये रिवील होता है कि वो एक टाइम बॉम्ब है जो एक्सप्लोड करके ही रहेगा।
तभी पेल आता है और बॉम्ब को ऊपर ले जाता है और अराबास्ता को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। बॉम्ब के फटने के बाद भी रेबल्स और किंग के आर्मी फाइट करना रोकती नहीं है। स्ट्रॉ हैट्स मिलकर फाइट को रोकने की कोशिश करते हैं। लूफी क्रोकोडाइल को हरा देता है और फिर बारिश होने लगती है जिसकी वजह से वॉर शुरू हुआ था, इसीलिए वो रुक जाते हैं। सांजी और बाकी का क्रू लूफी को ढूंढने लगते हैं, जिसे किंग कोबरा कैरी करते हुए ला रहा था। किंग लूफी को क्रू के हवाले करके चला जाता है। बाकी का क्रू भी थका हुआ था और वो भी बेहोश हो जाते हैं। लूफी को 3 दिन बाद होश आता है। वीवी उन्हें खाना खिलाती है, फिर वो नहाते हैं। तब किंग कोबरा उन्हें थैंक्स करता है। इन सब के बाद क्रू रात में शिप पर वापस चले जाते हैं। शिप के पास वो बॉन्ड क्ले से मिलते हैं जो उनके शिप को प्रोटेक्ट कर रहा था। बॉन्ड क्ले उनकी हेल्प करने का ऑफर करता है वहाँ से निकलने में। क्रू वीवी से मिलने के मीटिंग स्पॉट पर पहुँचता है। मरीन्स उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। बॉन्ड क्ले उन्हें वहाँ से जल्दी जाने को कहता है, पर क्रू वीवी का वेट करने का डिसाइड करते हैं। बॉन्ड क्ले ये सुनकर खुद को बेट बनाने का डिसाइड करता है ताकि वो मरीन्स को चकमा दे सके, जिसमें वो पकड़ा जाता है। वीवी वहाँ आती है और बताती है वो उनके साथ आगे नहीं जा सकती है और सवाल करती है क्या वो उनके क्रू का हिस्सा बनी रह सकती है। क्रू कोई जवाब नहीं देता बल्कि इशारे में अपने हाथ उठा लेते हैं जिसमें उन्होंने एक्स मार्क बना रखा था। बॉन्ड क्ले के एबिलिटी को काउंटर करने के लिए वीवी समझ जाती है और वो भी अपना हाथ उठा लेती है, जिसके बाद क्रू आगे सेल कंटिन्यू करता है। तो दोस्तों ये थी लाइफ ऑफ सांजी पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।